वेलकम दोस्तों, ऑल माय रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, ऑल माय सब्सक्राइबर्स एंड ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इंजीनियर एस के समेले योगा गुरु हिप्नोटिस्ट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों की डिमांड पर बहुत सारे लोगों के मैसेज और चैनल में भी कई लोगों ने लिखा है, गुरुजी सूर्य त्राटक के बारे में एक वीडियो बना करके अपलोड करिए। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, हमारा जो ये चैनल है इसमें हिप्नोटिज्म, मैस्मेरिज्म और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड लगभग 425 से ज्यादा वीडियो ऑलरेडी अपलोड हैं, जिसमें हमने डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट, बहुत सारी पूरी थ्योरी हिप्नोटिज्म, मैस्मेरिज्म और मैग्नेटिज्म की और उनका प्रैक्टिकल पक्ष हमने उनमें बताने की कोशिश की है। इसके अलावा हमारी जो लोग हिप्नोटिज्म सीखना चाहते हैं, और लगभग 150 से 200 लोग सक्सेसफुली हमारी ऑनलाइन क्लास से लोग निकल चुके हैं और ऑनलाइन क्लास हमारी जारी है, और भगवान की कृपा से इंडिया में ऑनलाइन क्लास हमारी नंबर 1 है। तो जो लोग हिप्नोटिज्म सीखना चाहते हैं वो हमारी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं, जो लोग मैग्नेटिज्म सीखना चाहते हैं वो हमारी ऑफलाइन क्लास जो सामने बिठा के शक्तिपात दीक्षा के माध्यम से होती है, क्योंकि मैग्नेटिज्म कभी भी ऑनलाइन नहीं हो सकता। शक्तिपात दीक्षा गुरु शिष्य परंपरा से आदिकाल से हमारे शास्त्रों में वर्णन है, वो सामने बिठा के ही हो सकती है। तो आज का विषय है सूर्य त्राटक। आखिर सूर्य त्राटक क्या है और कौन लोग सूर्य त्राटक करने के लिए पात्र हैं? तो जिस तरह से हम त्राटक की परिभाषा देते हैं कि आप खुली आंखों से लगातार टकटकी लगाकर एक ऑब्जेक्ट पर, एक बिंदु पर, एक वस्तु पर, विदाउट ब्लिंकिंग ऑफ आईज, बिना पलके झपकाए लगातार एक तक देखने की जो प्रोसेस है, जो विधि है, जो साधना है, उसे हम त्राटक कहते हैं। जैसा कि मालूम है आपको, शुरुआत लोग बिंदु त्राटक से करते हैं और त्राटक से संबंध में लगभग सारे वीडियो हमारे चैनल में अपलोड हैं। आप सर्च कर सकते हैं कि ज्योति त्राटक इंजीनियर एस के समेले, आप ऐसा टाइप करेंगे तो यूट्यूब में वो वीडियो आपके सामने निकल, आप लिखोगे दर्पण त्राटक तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। इसी प्रकार से आप लिखेंगे अगर शक्ति चक्र त्राटक, वो भी वीडियो आपके सामने आ जाएगा। तो आज हम सूर्य त्राटक की बात करते हैं। तो सूर्य त्राटक के लिए पात्र कौन है, कौन व्यक्ति कर सकता है? सबसे पहली पात्रता तो ये है कि जो भी सूर्य त्राटक करना चाहता है उसकी आंखें 100% स्वस्थ होनी चाहिए, किसी भी तरह की आंखों में कोई डिसीज ना हो, आई साइट भी प्रॉपर हो और आंखों में किसी तरह का कोई डिफिकल्टी, कोई रोग किसी तरह का नहीं होना चाहिए। क्योंकि सूर्य त्राटक अगर जितने फायदे भी हैं तो ये कभी कभार घातक भी हो सकता है। अगर आप बिना गुरु के सानिध्य में और आपकी आई साइट प्रॉपर और स्वस्थ आंखें नहीं है तो कई बार आंखों की ज्योति भी जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले तो आपका मेडिकल चेकअप हो, आपकी आंखें पूरी तरह स्वस्थ हों हर तरह से, और सूर्य त्राटक करने के लिए आप सशक्त हों पूरी तरह से। दूसरा मापदंड है इसका पात्रता का, जिसने पहले के सारे त्राटक कर लिए हैं, जो बिंदु त्राटक कर चुका है, शक्ति चक्र पर त्राटक कर चुका है, चित्र के ऊपर त्राटक कर चुका है, मूर्ति के ऊपर त्राटक कर चुका है, ज्योति के ऊपर त्राटक कर चुका है, मिरर दर्पण पर त्राटक कर चुका है, वृक्ष त्राटक कर चुका है, तारा त्राटक कर चुका है, चंद्रमा त्राटक कर चुका है, अग्नि त्राटक कर चुका है। तो सारे त्राटक जो कर चुके हैं वो लोग, उनको जो है सूर्य त्राटक फिर करना चाहिए। सूर्य त्राटक हम कब करें, ये बहुत अहम प्रश्न है। सूर्य त्राटक के लिए जो मॉर्निंग का टाइम है, जब सूर्योदय होता है, लालिमा लेकर के भगवान भास्कर जब उदित होते हैं, एक तो बेस्ट समय वो है, और सूर्य भगवान जब अस्ताचल को जाते हैं, गोधूली बेला सूर्य अस्ताचल को जब जाता है, जब सूर्य की रोशनी धीमे धीमे मध्यम होने लगती है,
कम होने लगती है। तो दो समय अनुकूल है, सबसे बेस्ट है जब सूर्य की रोशनी, भगवान सूर्य की रोशनी धीरे 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 बढ़ती है, तेज उनका बढ़ता है और तेज होता जाता है। तो मॉर्निंग आवर्स में हम त्राटक करें। त्राटक करने के पहले हम अगर व्यापक शौच या नहा धो के और पानी पीकर, दो से चार गिलास पानी पीकर बैठें और अनुलोम विलोम हम प्राणायाम या ट्रायंगुलर ब्रीदिंग या नाड़ी शोधन प्राणायाम, तो हम प्राणायाम करने के बाद फिर हम त्राटक करने के लिए आसन बिछाकर, कई लोग खड़े होकर भी कर सकते हैं लेकिन देयर शुड बी सम आसन, बैठने के लिए कोई आसन हो, बेड कंडक्टर ऑफ अर्थ, तो ज्यादा अच्छी बात है। खड़े होकर भी कर सकते हैं और बैठकर भी कर सकते हैं। भगवान सूर्य की तरफ एक तक दृष्टि लगाकर बिना पलक झपकाए, विदाउट ब्लिंकिंग ऑफ आइज, और लगातार आपको देखना है। कितनी देर तक देखें इसमें हमें बिल्कुल जोर जबरदस्ती नहीं करना, हठ योग नहीं करना है, बल्कि हमें बिल्कुल सामान्य तरीके से, इजी गोइंग में आपकी जितनी क्षमता है शुरुआत करें आप 2 से 3 मिनट, और इस टाइम को धीरे 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 आप बढ़ा भी सकते हैं। और कई लोग 10 मिनट 15 मिनट और 20 मिनट भी अगर कोई कर लेता है तो बहुत पावरफुल त्राटक हो जाता है। कई लोग बोलते हैं एक एक घंटे सूर्य की तरफ लगातार देखते रहते हैं, दोपहर में कई लोग देखते हैं, वो खतरा मोल लेते हैं। ऐसा ना करें, गुरु के सानिध्य में, गुरु के मार्गदर्शन में सूर्य त्राटक करें। सूर्य त्राटक की जो सावधानियां हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। आपको दिन में 5 बार ठंडे जल से मुंह में पानी भरकर एक अलग से मग्गा भर जल लेके और आंखों में छींटे मारना है। गुलाब जल का प्रयोग कर सकते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन, पूरी तरह से सात्विक भोजन ही हम ग्रहण करें, क्योंकि वो सूर्य भगवान की एक साधना है। हम अपने विचारों को पॉजिटिव रखें, एकदम सकारात्मक सोच, माइंड एकदम पीसफुल रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम उस समय क्या सोचें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हम सूर्य त्राटक करते समय हम पूरी तरह से अगर हम अपने मन को सजेशंस देंगे, सुझाव देंगे, हम विचार आएंगे, हमारे नेत्रों की ज्योति बढ़ रही है, हमारे अंदर एक इनफाइनाइट हिप्नोटिक पावर आ रही है, हमारे अंदर एक सम्मोहन की शक्ति आ रही है, हमारे अंदर पॉजिटिव पावर आ रही है। ये थॉट्स हैं जो हम अपने मन में लाएं, ये हम सजेशंस हैं वो हम अपने माइंड में, ये सूचनाएं हैं ये हम सूर्य त्राटक करते समय हम दे सकते हैं। सूर्य त्राटक से बहुत बड़ी, एक से कह सकते हैं सिद्धि प्राप्त हो जाती है आपके अंदर, एक बहुत बड़ी शक्ति आपके अंदर आती है, एक पावर आपके अंदर आती है। तो सूर्य त्राटक के बारे में बहुत लोगों की डिमांड थी, तो ये सामान्यतः एक जानकारी हमने आपको दे दी है। और इसमें अगर कभी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई किसी तरह का आपको दिक्कत परेशानी है या कोई अनुभव आप शेयर करना चाहते हैं, तो बराबर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके और अपने त्राटक के संबंध, अपनी साधना के संबंध में बराबर मार्गदर्शन ले सकते हैं। पर डे में सैकड़ों लोगों को मार्गदर्शन, देश और विदेश के लोगों को, पूरे देश के कोने कोने में आज हमारे स्टूडेंट और शिष्य हैं, 18 देशों में आज की तारीख में मेरे शिष्य हैं, और उनको सबको हम मार्गदर्शन व्हाट्सएप के माध्यम से या कई लोग कॉल करते हैं उसके माध्यम से मैं बराबर आप लोगों को जो गाइडेंस है वो मैं देता रहता हूं। तो त्राटक है, साधना है, इसमें बड़ी लगन की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है, साधना का पार्ट है। हमारा जो पूरा हिप्नोटिज्म है वो साधना बेस्ड है, त्राटक पर आधारित है, इसलिए आप लोग त्राटक का अभ्यास जरूर करें, फिर हमारी क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। अंत में मोटिवेशनल शायरी के रूप में, जैसा कि मेरा लगभग हर वीडियो में आपका जो कहना चाहिए जो बैटरी का जो एसिड है वो बढ़ाने के लिए, एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए, पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए, आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार करने के लिए मैं हर समय मोटिवेशनल शायरी जरूर बोलता हूं। तो मैं आज भी बोलना चाहूंगा, इसके अवसर पूरा वीडियो देखिएगा, इस वीडियो में आपको बहुत अच्छा एक फीडबैक भी मिलेगा, लगभग हर वीडियो में एक प्रैक्टिकल भी मैं डालता हूं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। और किसी ने कहा है कि क्यों कहते हो कुछ बेहतर नहीं होता, क्यों कहते हो
कुछ बेहतर नहीं होता। सच है कि जैसा चाहो वैसा नहीं होता। क्यों कहते हो कि कुछ बेहतर नहीं होता? सच यह है कि जैसा चाहो वैसा नहीं होता। कोई तुम्हारा साथ ना दे तो गम ना कर। कोई तुम्हारा साथ ना दे तो गम ना कर, क्योंकि खुद से बड़ा दुनिया में कोई हम सफर नहीं होता। खुद से बड़ा दुनिया में कोई हम सफर नहीं होता। पूरा वीडियो देखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नाम अंकित सैनी और मैं जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। दोस्तों, मैंने कुछ समय पहले यूट्यूब पर एक वीडियो देखी और उस वीडियो में मैंने श्री एस के समेली गुरु जी को हिप्नोटाइज करते हुए देखा और मैंने देखा कि किस प्रकार गुरु जी लोगों को पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं, किस प्रकार हिप्नोटाइज के जरिए डिप्रेशन का जो है वो इलाज करते हैं, नशे की और धूम्रपान की जो लत होती है उसको किस प्रकार से जो है हिप्नोटिज्म के जरिए छुटा सकते हैं। तो ये सब मैंने सीखा और मैंने गुरुजी से बात की, उनसे संपर्क किया। बात करने के बाद, क्योंकि कोरोना काल होने के कारण मध्य प्रदेश वर्ल्ड हिप्नोटाइज सेंटर पन्ना के नाम से गुरुजी का एक चैनल है, तो मध्य प्रदेश में है जो कि, तो मैं जिला सहारनपुर से, तो कोरोना काल के कारण मुझे वहाँ जाने में असमर्थता थी। तो गुरुजी से मैंने बात की और गुरुजी ने बताया कि उनके यहाँ 7 डेज का जो एक वर्कशॉप है, ऑनलाइन क्लास है, वो अटेंड कर सकते हैं। तो फिर मैंने गुरुजी की 7 डेज की जो क्लास होती है हिप्नोटिज्म की, वो मैंने अटेंड की और उसमें मैंने सीखा। देखिए, हिप्नोटिज्म को लेकर हमारे समाज में कई प्रकार की भ्रांतियाँ हैं और उस भ्रांतियों को हम अगर सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये एक जादुई या बोलते हैं कि तंत्र मंत्र इस प्रकार की कोई विद्या, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मित्रों। ये एक प्योर साइंस है, ये एक प्योर साइंस। आप अगर हिप्नोटिज्म सीखते हैं तो आप देखेंगे कि किस प्रकार ये रियली ये वर्क करता है। इंसान की ब्रेन की जो सेल्स होती हैं उनके थ्रू हिप्नोटिज्म को कैसे ब्रेन सेल्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ब्रेन से कि मतलब हम कमांड देकर ब्रेन में किस प्रकार से लोगों की नशे की लत, शराब पीने की लत जो होती है और धूम्रपान की जो लत होती है, यहाँ तक कि मेंटली जो डिप्रेशन, जो डिप्रेशन के शिकार हैं स्पेशली, उनको भी किस प्रकार से हम सही कर सकते हैं। तो गुरु जी एस के समेले जी से हमने 7 दिन की जो क्लास ली वो वाकई बहुत ज़बरदस्त क्लास रही और गुरु जी की एनर्जी को अगर देखा जाए तो सच में गुरु जी एक अंदर से एक बहुत पावरफुल इंसान हैं। उनसे हम जब क्लास लेते थे तो एक अद्भुत एनर्जी हमारे अंदर भी गुरु जी के थ्रू प्रवाहित हो जाती थी। तो 7 डेज की क्लास में हमने हिप्नोटिज्म की हिस्ट्री, हिप्नोटिज्म के प्रयोग कैसे कैसे, कितने टाइप से हम हिप्नोटिज्म प्रयोग कर सकते हैं और ट्रिक्स किस, वैसे हिप्नोटिज्म की काफ़ी ट्रिक्स गुरुजी ने हमें बताई हैं। हम हिप्नोटिज्म को हाथ के ज़रिए, आई कॉन्टैक्ट के ज़रिए और पेंडुलम के ज़रिए, जो कि सबसे अधिक हिप्नोसिस जो होते हैं वो प्रयोग करते हैं पेंडुलम को, पेंडुलम के ज़रिए भी हिप्नोटिज कर सकते हैं। ये सब सीखा और सच में ये वाकई बहुत चमत्कारिक विज्ञान है। आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप भी गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि गुरुजी ने हमारा जितना अच्छा मार्गदर्शन किया है और जो हमें ज्ञान दिया है उसके लिए गुरुजी का हम धन्यवाद करते हैं। और यही कहना चाहूँगा कि ये एक प्योर विज्ञान है, समाज में जो फैली भ्रांतियाँ हैं उनसे बिल्कुल हटकर हैं। आप क्लास ज्वाइन करें, आप देखें सीखें तो आपको लगेगा। तो यही कहना चाहूँगा और गुरुजी एस के समेली जी को मेरा प्रणाम।
और सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। एंड रिलैक्स, मन में बोलते जा रहे हैं उस पार्ट को, रिलैक्स रिलैक्स। आपके बाएं हाथ की एल्बो ज्वाइंट है, जो जो आपकी एल्बो है, पूरी तरह से एकदम शांत, एकदम शांत, एकदम शांत और शिथिल होती जा रही है। आपके बाएं हाथ का कंधा है आराम की अवस्था में, आराम की अवस्था में, आराम की अवस्था में बढ़ता जा रहा है। आप मेरे साथ मन में उस पार्ट पे बोलेंगे, कंधे के नीचे जो लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी है, जो बाईं बगल है, वो आपकी एकदम शांत और शिथिल, शांत। मन में बोलिए रिलैक्स, फिर से मन में बोलिए रिलैक्स। मन में बोलेंगे एकदम रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। आपकी एकदम शांत, एकदम शांत, एकदम शांत होती जा रही है। बाएं तरफ की पीठ है एकदम शांत। मन में बोलेंगे रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। आपकी बाएं तरफ की पीठ है वो रिलैक्स हो चुकी है, रिलैक्स हो चुकी है। दाहिने तरफ की पीठ है एकदम शांत, एकदम शांत, एकदम शांत, एकदम शांत होती जा रही है। आपकी मिडिल पार्ट ऑफ योर बैक स्पाइनल कॉर्ड है, वो मन में बोलिए रिलैक्स, फिर मन में बोलिए एकदम रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। आप बहुत पूरी तरह से आपका बॉडी एकदम शांत, मन में बोलिए एकदम रिलैक्स रिलैक्स। फोर, और ये माइंड आपका कई गुनी रफ्तार से, जब ये गिनती नीचे जीरो पर आ रही है, आपका माइंड भी पहले से हजार गुना ज्यादा डीप ट्रांस की ओर बढ़ता जा रहा है। एकदम शांति, एकदम शांति, एकदम शांति और शिथिलता बढ़ती जा रही। थ्री, एकदम आराम की अवस्था। टू, पूरा शरीर बॉडी माइंड एकदम पीसफुल स्टेज ऑफ बॉडी माइंड। टू, वन एंड जीरो, डीप स्लीप। ये आपकी अवस्था बहुत शांत, एकदम शांत, एकदम शांत। आप इमेजिन करिए, आप एक बहुत सुंदर ब्यूटीफुल भगवान शिव भोलेनाथ के मंदिर के वहां पर आप मन में इमेजिन करेंगे कि आप उस मंदिर के उस ऊपर से बह रहा है, वो पहाड़ में से आता है जहां भगवान भोलेनाथ का निवास है, कैलाश पर्वत से, गंगा जल से मिश्रित वो झरना आपके वहां पर धीरे धीरे आता जा रहा है। और वो सुंदर सा घास, सुंदर फूल, सुंदर भवनों की गुंजार, सुंदर सीन, वो दृश्य आप इमेजिन कर सकते हैं। और वहां पर भगवान शिव विराजमान है, वो चरणामृत आपके ऊपर गिर रहा है। एंड यू आर फीलिंग वेरी, मन में बोलिए रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। भगवान शिव के चरणों का जल है जो, वो आपको पूरी तरह से एकदम रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स, वो जल से आप पूरी तरह से एकदम दिव्य हो चुके हैं। आपके